नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। आठ नवंबर 2021 की रात्रि 8 बजे अचानक से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संदेश लेकर टीवी पर दिखे थे। उन्होंने संदेश में कहा था कि 500 और 1000 के नोट आज से चलन में नहीं रहेंगे। उन्होंने इसके फायदे बताते हुए कहा कि इस निर्णय से देश में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, आतंकवाद और जाली नोटों का व्यापार समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज 5 साल हो गए हैं, अब ये सवाल है कि मोदी सरकार के इस सख्त फैसले से कितना फायदा हुआ भी है या सिर्फ नुकसान ही हुआ है। आइए समझते हैं इस आंकड़े को। नोटबंदी का एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि लोगों ने डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ा दी। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि लोगों के पास कैश था ही नहीं, क्योंकि वह इनवैलिड हो चुके थे। वहीं नई करेंसी के लिए बैंकों और एटीएम पर लंबी कतारें लगी थी। ऐसे में डिजिटल ट्रांजेक्शन की लोगों के पास विकल्प बचा था। यानी देखा जाए तो लोगों ने मजबूरी में डिजिटल ट्रांजेक्शन शुरू कर दी और बाद में करेंसी की उपलब्धता के बावजूद डिजिटल ट्रांजेक्शन जारी रखी। अब 5 साल बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन में कितनी बढ़ोतरी हो गई, इसका अंदाजा तो आप तमाम दुकानों, ठेलों, मॉल, स्टोर, कैब, ऑटो रिक्शा और तमाम जगहों पर लगे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे जैसे बारकोड से ही लगा सकते हैं। यानी आज के वक्त में आप लगभग हर जगह डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार मूल्य के हिसाब से 4 नवंबर 2016 को 17.74 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे, जो 29 अक्टूबर 2021 को बढ़कर 29.17 लाख करोड़ हो गए। आरबीआई के मुताबिक 30 अक्टूबर 2020 तक चलन में नोटों का मूल्य 26.88 लाख करोड़ था। 29 अक्टूबर 2021 तक इसमें 2,28,963 करोड़ की वृद्धि हुई थी। वहीं सालाना आधार पर 30 अक्टूबर 2020 को इसमें 4,57,059 करोड़ रुपए और इससे एक साल पहले 1 नवंबर 2019 को 2,84,451 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा चलन में नोट बैंकों के मूल्य और मात्रा में 2021 के दौरान क्रमशः 16.8% और 7.2% की वृद्धि हुई थी, जबकि 2019-20 के दौरान इसमें क्रमशः 14.7% और 6.6% की वृद्धि देखी गई थी। वित्त वर्ष 2021-2021 में चलन में बैंक नोटों की संख्या में बढ़ोतरी की वजह महामारी रही। महामारी के दौरान लोगों ने सावधानी के तौर पर अपने नकदी रखी और इसी का ज़्यादा व्यवहार किया। मोदी सरकार ने नोटबंदी तो कर दी, लेकिन उसका जो मकसद था वह पूरा नहीं हो पाया है। सरकार का मानना था कि इससे काला धन पर लगाम लगेगी, लेकिन नोटबंदी के करीब साल भर बाद ही खुद रिजर्व बैंक ने बताया कि 1000 रुपये के करीब 99% बैंक नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं, जबकि 500 रुपये के भी 90-95% या उससे अधिक नोट सिस्टम में वापस पहुंच गए होंगे। नोटबंदी के जरिए 15.4 लाख करोड़ की करेंसी चलन से बाहर की गई थी। इसमें से 44% 1000 के नोट और 56% 500 के नोट शामिल थे। नोटबंदी से ना तो नक्सलवाद खत्म हुआ, ना ही काला धन। उल्टा एमएसएमई की कमर ऐसी टूटी कि आज तक यह इंडस्ट्री उठ नहीं पाई है। नक्सली हमले भी होने बंद नहीं हुए हैं। सबसे बुरा असर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर पड़ा, जहां कैश में ही सारा काम होता है। लेबर को उसकी मजदूरी कैश में दी जाती है। वह लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि पेटीएम या डिजिटल ट्रांजेक्शन का कोई दूसरा माध्यम इस्तेमाल कर सके। यानी नोटबंदी से फायदा तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन नुकसान अधिक है। आज से 5 वर्ष पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में नोटबंदी को लागू किया था, जिसमें 500 और 1000 की नोटें बंद की गई थी।
तो उससे देशवासियों को कितना फायदा या कितना नुकसान पहुंचा है? बात आप एकदम सही कह रहे हैं। आज से 5 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे जोश खरोश के साथ देश की जनता के सामने यह ढिंढोरा पीटा कि 500 और 1000 की नोटों को आज से मैं बंद करने जा रहा हूँ, और इससे देश के अंदर जो कालाबाजारी है, आतंकवाद है, उसके ऊपर अंकुश लग जाएगा। लेकिन आज 5 साल बीत गया, देखने में आ रहा है कि 2000 रुपए की जो नोट है वह धीरे धीरे बाजार से जो है वह गायब होती जा रही है। 2000 के नोट का डुप्लीकेट बाजार में आ गया है। एक गरीब आदमी के पास अगर वह डुप्लीकेट नोट किसी तरह से पहुंच जाता है तो उसके महीने भर की या हम बोले कि साल भर की कमाई उसकी गायब हो जाती है। दूसरी तरफ आतंकवाद पर तो कोई विशेष सफलता नहीं हासिल हुई है, बल्कि आतंकवाद कश्मीर के अंतर्गत, पंजाब के अंतर्गत धीरे धीरे जो है वह पहले की तरह ही रोज हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है, निर्दोष नागरिकों को मारा जा रहा है। तो इससे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। सफलता जो है वह बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिली, क्योंकि उन्हें पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन था और उन्होंने अपना पैसा पहले ब्लैक से व्हाइट कर लिया। आम लोग जो हैं आज भी अपने बड़े बड़े नोटों को लेकर के बाजार में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं और विक्षिप्त अवस्था में क्या कर रहे हैं पाए जा रहे हैं। इसलिए मेरे समझ से नोटबंदी पर कोई विशेष सफलता जो है वह सरकार को प्राप्त नहीं हुई। सफलता की जगह पर असफलता ही इसका परिचायक है। आपका परिचय सर? गिरीश कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक केंद्रीय राष्ट्रीय विद्यालय सीतारामपुर। धन्यवाद सर। 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, तो इससे हमारे देश को कितना फायदा या कितना नुकसान पहुंचा है? सबसे पहले तो मैं CFM को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने 5 वर्षीय जो 5 बरसी हो गई है, 500 और 1000 के नोट जो इंतकाल करके थे, जिनका चलना बिल्कुल बंद हो गया था, वो आप लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और प्रधानमंत्री ने बहुत साहसिक कदम उठाया था। हमें लगा था कि हमारा देश और तरक्की करेगा, हमारे देश में काला धन जो बाहर चला गया वो वापस आ जाएगा, हमारे देश में आतंकवाद बंद हो जाएगा, ये जो बताया गया था। तो लोगों ने खुशी के तहत या मजबूरी के तहत लाइन में लगकर अपने 500 और 1000 रुपये के नोट बदली करवाए। कई गृहिणी बेचारी बदली नहीं कर पाए, कईयों के घर में शादी थी उनकी शादी रुक गई, कईयों के बहुत सारे घर बर्बाद हो गए, कई लोग मर गए। तो गरीब लोग जो हैं वो बहुत परेशान थे, पर हमें लगा था चलो देश के लिए अगर ये भी करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं। पर आज 5 वर्ष बीतने के बाद भी ये छोटे मझले जो दुकानदार हैं, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ अमीरों को फायदा हुआ होगा, क्योंकि तो ये संजोग था कि बहुत बड़े बड़े कोऑपरेटिव बैंक में पैसा वापस लिया गया या पहले से ही 500 1000 के नोट वहाँ पर जमा हो चुके थे। तो ये संयोग था या प्रयोग था ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो कहना चाहूँगा कि ये 5 वर्ष होने के बाद भी हमें कोई विशेष फायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि देश और गरीब होता चला जा रहा है। हम लोग 164 पायदान पर आ चुके हैं, अब भुखमरी में भी हम लोग 100 से नीचे पायदान में आ चुके हैं, हमसे आगे बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जा चुका है, हमारा पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा हो चुका है और GST के कारण भी हमें बहुत सारी मार झेलनी पड़ी है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ये एक साहसिक कदम था, कि हमें ये महसूस हो रहा था कि सिंगापुर से भी कुछ पैसा वापस आएगा, हमें बहुत सारा फायदा होगा, हमारा देश और तरक्की करेगा, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये नोटबंदी का जो 5 वर्ष है, लोग इसे याद करेंगे और लाइन में लग लग कर जो गरीब लोगों ने अपना पैसा बदली करवाया था और बहुत जिल्लत महसूस की थी, वो लोग आज भी याद रखेंगे। आपका परिचय? गुरविंदर सिंह। ये आज 5 साल पूरे हो गए हैं, जी। तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी से देश को फायदा होगा या नुकसान होगा, उस विषय में तो क्या कहना है इस संदर्भ में आपको? देखिए, नोटबंदी में आदमी ज़्यादातर खोया है, सामान खोया, बिजनेस खोया, सब पॉपुलेशन में जितना ठीक था
गरीब गरीब के तबके में चल गया, अमीर तो कुछ नहीं, अमीर अपना जैसे वैसे ठीक अपना जगह में है, मैंने ज़्यादातर रोजगार खो दिया। और नोटबंदी के में सबसे ज़्यादा गरीब आदमी के ऊपर मार पड़ा, गरीब आदमी तो कुछ सब तरफ से लॉस है। मेरे हिसाब से मोदी सरकार ये गलत डिसीजन ली है, नोटबंदी नहीं करके वही नोट रखते आज देश कहाँ से कहाँ चल जाता। पेट्रोल का दाम देखिए, खाने का राशन पानी का देखिए, सब जगह आग लगा हुआ है। अब कुछ दिन के बाद तो लग रहा कि छिनताई के ऊपर फिर एक बहुत बड़ा क्राइम फिर बनेगा, नोटबंदी में ज़्यादातर क्राइम बढ़ रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। महंगाई कम होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब जो हुआ हुआ, मोदी सरकार को या राज्य सरकार के लिए एक ही तरफ है, रोजगार के ऊपर ध्यान दे और देश महंगाई की तरफ थोड़ा ध्यान दे, फिर देश अपना अपना सम्मान से रिटर्न आ सकता है, यही हमको कहना है। आपका परिचय? हमारा अब डॉक्टर लियाकत अली, न्यामतपुर। नोटबंदी किया गया था, 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, तो इससे आर्थिक व्यवस्था में या फिर कालाबाजारी में कितना फायदा या नुकसान हुआ है? ये शुरुआती तौर पर तो परेशानी सभी को हुआ था, बहुत सा ऐसा है कि शादी ब्याह रुक गया था नोटबंदी के कारण, उस समय परेशानी हलचल बहुत ज़्यादा मचा था। अभी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सुधार हुआ है वो। और जहाँ तक कालाबाजारी का बात है तो हम लोग उम्मीद किए थे कि ये सुधार हो, थोड़ा बहुत सुधार हुआ है काली बाजारी में, जो कि समय हुए सब पहले जो चीज़ था वो अब नहीं है, किंतु तो आर्थिक अवस्था में थोड़ा सुधार तो समझिए ना के बराबर है, वो अभी भी सभी जूझ रहे हैं। अभी तो ऐसा कोई बात नहीं, अभी मोटा मोटी सभी ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। आपका परिचय? मैं संजय गुप्ता, सीतारामपुर गुप्ता मेडिकल का ओनर हूँ।